हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है जो किसी भी तरह के स्वेटर पे बनाई जा सकती है। इसे जेंट्स स्वेटर पे, लेडीज़ कार्डिगन या पुलोवर या बच्चों के स्वेटर में किसी में भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी लगती है। और अब डिज़ाइन कैसे बनती है, आइए हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है जो आसानी से बन जाती है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 31 फंदे डाले हैं ताकि डिज़ाइन अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए फंदे थोड़ा ज़्यादा ही रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। एक फंदा एच फंदा उतार लेते हैं, फिर चार फंदे उल्टे बुनते हैं, फिर एक फंदा सीधा दो बार सिलाई में लपेट के बुनेंगे, फिर चार फंदे उल्टे, चार हो गए, फिर फंदा पीछे करके एक फंदे को लपेट के बुनेंगे, फिर एक उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा, फिर चौथा फंदा, चार उल्टे हो गए, फिर फंदा पीछे, फिर दो बार लपेट के एक सीधा, फिर एक दो तीन चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा दो बार लपेट के फंदा पीछे करके, फिर दो तीन चार, चार उल्टे फंदा पीछे, फिर फंदा लपेट के एक सीधा, फिर इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिलाई स्टार्ट होती है। अब इस सिलाई में एक फंदा एच फंदा उतार लेंगे, फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर जो फंदा पीछे सिलाई में सीधा था उस जो लपेट के बुना है उसको भी लपेट के दो लपेट के उल्टा बुनेंगे, फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा लपेट के एक उल्टा बुनेंगे। जो फंदा सीधा पीछे से चल रहा है उसे एक बार लपेट के बुनेंगे, बाकी चार फंदे उल्टे बुनेंगे और जो सीधा चल रहा है फंदा उसे लपेट के बुनेंगे। तो चार इसी तरह से पूरी सिलाई बुन लेना है। जो फंदा सीधा पीछे चल रहा है उसे दो बार लपेट के उल्टा बुनना है और बाकी फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन ये रो तैयार हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, थर्ड रो पे हम आ गए हैं। तो थर्ड रो में एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा पीछे करके सीधा फंदा दो बार लपेट के बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे चार बार, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा पीछे करके एक सीधा फंदा दो बार लपेट के बुनेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई पूरी कर डालनी है कि चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा दो बार लपेट के। अब ये सीधी सिलाई इसमें लपेट दिया, फिर चार फंदे उल्टे, इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फ्रेंड्स, ये फोर्थ रो है। फिर इसमें भी वही करना है कि चार उल्टे फिर उल्टा फंदा दो बार लपेट के बुनना है। जो पीछे से
सीधा आ रहा है उसे लपेट के बुनेंगे, फिर चार उल्टे, चार इसी तरह बुनने हैं, चार उल्टे और जो पीछे साइड में सीधा है उसे उल्टा लपेट के, दो बार लपेट के बुनना है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो में डिज़ाइन बनेगी। चार सिलाई सीधी उल्टी और वो बीच में रो बना के बुनना है, फिर पांचवी रो में डिज़ाइन बनती है। तो फ्रेंड्स आइए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। एक फंदा स्लिप किया, फिर एक दो तीन चार फंदे उल्टे, फिर अभी देखिए इसको क्या करना है। ये सीधा फंदा जो लपेट के बुने हैं ये हमें इसे खोलना है, इसे हम चार फंदे हम खोल देंगे। जो चार सलाई हमने लपेट के बुनी थी वो चारों हम खोल देंगे और इस फंदे में इसके लूप में सारे फंदे, चारों फंदे निकाल के बाहर कर लेंगे। और फिर ये देखिए मैंने इसे बाहर कर लिया और फिर उसके बाद इस लूप में से एक फंदा बुन लेंगे, फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर इसी तरह से करेंगे कि ये जो दो बार लपेट के बुना है, फ्रेंड्स लपेट के इसलिए बुना है ताकि डिज़ाइन टाइट ना होने पाए। अगर बिना लपेटे बुना जाएगा तो डिज़ाइन टाइट हो जाएगी, तो इसलिए जो है इसे लपेट दिया गया है। और चारों फंदों को इस लूप में से बाहर करके निकालना है, इसके अंदर से निकाल देना है। फिर अब ये देखिए फिर इसको इस तरह से इसे बुन लेना है। अब फिर आगे भी चार फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर फंदा पीछे करके फिर चारों फंदों को खोल देना है, खोल के लूप से क्रॉस करना है, चार फंदे क्रॉस करके इसे बाहर निकालना है। ये चारों फंदे थोड़ा ढीले हैं तो इजीली निकल आते हैं, नहीं तो और दिक्कत भी आए। तो ये फंदा देखिए निकाल दिया और फिर उसको एक बुन लेते हैं। फिर इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। इसको चार फंदे खोल के इसके लूप से चारों फंदों को क्रॉस करके बाहर निकालना है और फिर उसको दोबारा एक उसको बुन लेना है। फिर इस तरह से ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब छठी रो में हमें फिर वही करना है कि एक फंदा स्लिप करना है, फिर उस चार फंदे उल्टे बुनने हैं,
फिर उल्टे पे दो बार लपेट के बुनना है जो सीधी रो जा रही है। फिर उल्टा बुनने के बाद फिर इस पे सीधी रो जो जाती है उस पे दो बार लपेट के बुनना है। यही हमें बार बार पूरी सिलाई में अप्लाई करना है। तो ये फ्रेंड्स डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स ये चार सिलाई डिज़ाइन है, पांचवी सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। छठी सिलाई डिज़ाइन की ये उल्टी साइड की चल रही है। और मैं थोड़ा सा दोस्त ये देखिए डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब मैं दो सिलाई और भी बुन के तीन सिलाई चार सिलाई में और मैं कंप्लीट डिज़ाइन बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसके बाद आगे क्या बनेगा, ये अब देखते हैं। तो इसके लिए मैंने दो सिलाई बुन लिया है, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी। एक सिलाई तो मैंने उल्टी बुनी थी, फिर उसके बाद एक सिलाई मैंने सीधी बुन ली है और उसके बाद एक उल्टी भी बुन लिया है। अब इस सिलाई में डिज़ाइन बनेगी। फ्रेंड्स सेवेंथ और एर्थ रो मैंने बुन लिया है। सेवेंथ रो सीधी थी, एर्थ रो उल्टी साइड की थी। अब नाइन्थ रो ये है, इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एच फंदा उतार लेंगे, फिर उसके बाद चार फंदे उल्टे, फिर फ्रेंड्स फिर जैसे कि एक बार हम डिज़ाइन बना चुके हैं कि सारे फंदे खोलने हैं, चार फंदे खोलने हैं, तो ये हम चार फंदे खोल देंगे। ये देखिए ये जो इस तरह से चार फंदे पूरे खुल गए हैं, चार सिलाई के चार फंदे पूरे खुल गए हैं। और इसमें से इसको क्रॉस करेंगे, चारों फंदों को चार फंदे में से क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से चार डिज़ाइन तैयार हो रही है। पूरा का पूरा चार फंदे में से चारों फंदे को क्रॉस किया है और एक फंदा फिर उसको बुन लिया है दोबारा। फिर चार फंदे उल्टे बुने, फिर उसके बाद फिर दोबारा यही अप्लाई करेंगे कि चार सिलाई के चार फंदे खोल देंगे और चार फंदे जो में से क्रॉस करेंगे चार फंदों को। तो ये देखिए ये चोटी की तरह बन के तैयार हो गया है। ये इसी तरह से फ्रेंड्स पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। मैं इतना ही बना के छोड़ देंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। फ्रेंड्स ये देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। ये नौ सिलाई डिज़ाइन कंप्लीट, लगभग मैंने नौ सिलाई बुनी है। और फिर उल्टी साइड में फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार होती है। जब पूरी और ज़्यादा सी बुनी जाती है तो डिज़ाइन ज़्यादा क्लियर होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन उम्मीद है कि पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अब इजाज़त चाहते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई डिज़ाइन के साथ। आप लोगों का मेरे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।